जय गुरुदेव गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो है साक्षात पर ब्रह्म तस्मी श्री गुरुवे नमा अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु के संबंध में जो विभिन्न भ्रांतियां प्रचलन में आ गई है उसके निवारणार्थ उसको दूर करने हेतु भ्रांतियों को दूर करने हेतु वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में क्या लिखा है इसको देखने की एक श्रृंखला आरंभ की है उसमें पहला ग्रंथ अपन ने लिया है सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज द्वारा रचित इसमें एटी थ्री चैप्टर्स हैं और सात अध्याय देख चुके हैं पहला महासमागमन दूसरा विश्वकर्म पुत्र संवाद तीसरा प्रश्न फिर उसके बाद आगे के अध्यायों में महादादि सर्ग देखा भुवन कोश देखा वास्तुपुरुष की उत्पत्ति देखी सहदेवाधिकार कथा में और सातवें अध्याय में वर्ण और आश्रम व्यवस्था देखी आज अपन भूमि परीक्षा आठवां अध्याय इसको आरंभ कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग को फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अब ये जो भूमि है पृथ्वी है ये कितने प्रकार की होती है क्योंकि जैसी भूमि होगी उसपे जो लोग निवास करेंगे भूमि की प्रकृति के अकॉर्डिंग उनमें वैसे गुण विकसित होंगे जैसे पूरे भारतवर्ष को अपन देखो तो जो अलग अलग प्रांत कह लो अलग अलग लोकेशन कह लो तो जो अलग अलग भूमि पर निवास करते हैं जैसे राजस्थान की जो भूमि है वो रेत वाली है रेगिस्तान रेत से रिलेटेड है बहुत ज्यादा अधिक फर्टाइल वो लैंड नहीं है तो वहां के लोगों की एक प्रकृति बन गई कि मिनिमम रिसोर्सेस में कैसे सरवाइव करना कम से कम में कैसे जीवित रहना उसको कंजूस मत समझ लेना जब उनके विवाह आदि जो फंक्शंस होते हैं उसमें दिल खोल के खर्च करते हैं वहां हवेलियां देखो महल देखो पैलेसेस देखो तो इसलिए उसको कंजूस शब्द ऐसा ना समझना लेकिन मिनिमम रिसोर्सेस में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं कैसे जीवित रह सकते हैं ये राजस्थान का रेगिस्तान का राज परिवार का राजस्थान एक विशेष गुण है जहां बहुत अधिक फर्टाइल लैंड है पंजाब इत्यादि वहां बहुत जिंदा दिल्ली देखने को मिलेगी फिर उधर दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग प्रकार की भूमि है तो वैसे गुण मिलेंगे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी भूमि है वैसी प्रकृति वहां के लोगों में स्वाभाविक रूप से हो जाती है तो यह भूमि का वर्णन आने वाला है भूमि में जो बीज हमने लगाया वो भूमि की प्रकृति के अनुसार फल देता है सभी बीज सभी भूमियों में नहीं प्रॉपर उगते उगते हैं उग पाते हैं जैसे सागवान की लकड़ी है <laughs> अब वो सागवान का पेड़ जिस प्रकार की भूमि में लगाया जाएगा वैसे वो सागवान की क्वालिटी आएगी तो जो भूमि है जलवायु है जो स्थान है उसका बहुत अधिक महत्व है तो इस वास्तुशास्त्र में इस अध्याय का बहुत महत्व है जब भी अपन कंसल्टेंसी करते हैं तो हम व्यक्ति से पूछते हैं भाई कहाँ के रहने वाले हो क्या नाम है क्या प्रोफेशन को बिलोंग करते हो परिवार में क्या प्रोफेशन चला आ रहा है तो यहां भूमि के माध्यम से भूमि के गुणों को देखने का प्रयास करते हैं तो सामान्य रूप से जो भूमि को विभाजित किया है सम्रांगण सूत्रधार के 60वें अध्याय में तो कहा है तीन प्रकार की भूमि होती है जांगल अनूप और साधारण तो जांगल के संदर्भ में कहते हैं आप उसको वन प्रदेश समझ सकते हो लेकिन ये थोड़ा सा रेगिस्तान जैसी भूमि है कि जो भूमि में पानी ना हो दूर हो काफी गहराई पर हो जहां रेत अधिक पाई जाती हो कांटे वाली झाड़ियां हो रूखा हो गर्म हो तेज हवाएं चलती हो मिट्टी यदि हो तो काली हो उसको जंगल कहा है रेगिस्तान जैसा क्षेत्र है फिर दूसरे प्रकार की भूमि को अनूप कहा जल से रिलेटेड है कि जहां बहुत कम गहराई पर जल उपलब्ध हो चिकनी हो मछली मांस हो शीतल हो नदियां हो चिकने ऊंचे वृक्ष हो उसको अनूप कहा अर्थात जहां पानी बहुतायत में उपलब्ध है वो अनूप हो गई जहां पानी बहुत कम है रेत अधिक है उसको जंगल कहा और फिर तीसरे प्रकार की भूमि कहा कि जो साधारण है वो ना बहुत ठंडी है ना गर्म है उसको साधारण कह दिया तो इस प्रकार से पहले तीन कैटेगरी में डिवाइड किया पानी कम यानी बहुत कम फिर पानी अधिक और तीसरी नॉर्मल साधारण अब इन तीनों को भी सोलह प्रकार में डिवाइड किया तो जैसी वो भूमि होगी उस पर रहने वाले व्यक्तियों के गुण कह लो लक्षण कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो वो उसी प्रकार की रहेगी तो सोलह प्रकार की भूमि है इनकी डिटेलिंग अभी थोड़ी देर में करेंगे उसमें कहा स्वामिनी भोग्या सीता गोचर रक्षिणी अपाश्रयवती कांता खनवती आत्मधारिणी वनिक प्रसादिता द्रव्य संपन्न अमित्र घाति आश्रिणी पुरुषा चक्य सामंता देव मातृका धन्या हस्ती वनोपेता और सुरक्षा सोलह प्रकार की भूमि बताई गई है अब ये इनकी कैटेगरीज देखते हैं जब अपने को थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान होगा तो इनके नाम में इनके गुण है पूरे वेदिक वांग्मय का रहस्य कैसे डिकोड करना रहस्य को कैसे समझना कि जो नाम है वही गुण है कांता कहा है कांता का अर्थ है पत्नी सामान्य रूप से अमित्र घातिनी कहा है तो जिसका जो नाम है वही उसका गुण है तो अब एक एक ये जो भूमि है सोलह प्रकार की इसको थोड़ा गहराई में देखने का प्रयास करते हैं तो कहा है बालिश बालिश स्वामिनी बालिश का अर्थ होता है यंग बच्चा कह लो यंग कह लो युवा कह लो और इसका अर्थ मूर्ख भी होता है तो ऐसी भूमि जो जिसका राजा जो है वो यंग है या कभी कभी रेयर केस में मूर्ख है और उसमें सज्जन लोग निवास करते हैं लोग अच्छे हैं लेकिन राजा जो है वो या तो यंग है बच्चा है और या फिर वो थोड़ा मूर्ख है तो ऐसी भूमि को बालि स्वामिनी कहा जाता है फिर जिसमें भोग्या जिसमें अति सुंदर पुरुष है पैदावार खूब है तो लोग भोग करते हैं उसको भोग्या कहा फिर जो नद न, नद और नदी के बाहर है पर्वतों के बीच में है उसको सीता गोचरक्षिणी कहा जहाँ बहुत भय से लोग प्रवेश करते हैं उसको अपाश्रयवती कहा फिर जहाँ वन है उपवन है पर्वत है नदी है लता है बहुत मनोहर है बहुत मनोहर है जहां रहने के लिए पुरुष लालायित रहते हैं इच्छा करते हैं खूब इच्छा करते हैं कि अरे ये जगह तो बहुत अच्छी है ऐसी भूमि को कांता कहा है फिर कहा जहां बहुत ही खनिज पाया जाता है उसको खनीमती कहा यहां भी जो अलग अलग बेल्ट है भारत में भी जैसे मान लो कोरबा वाला बेल्ट है या कहीं कोयले की खदान है कहीं खनिज है कहीं और निकलता है एल्यूमिनियम है ऑक्साइड है बॉक्साइड है तो ऐसी जो जहां खदाने पाई जाती हैं उसको खनीमती कहा फिर जहां लोग वश में नहीं आ पाते हैं कम लोग निवास करते हैं उसको है ना जो स्वेच्छाचारी लोग रहते हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आत्मधारिणी कहा इसी प्रकार जहां बिजनेस की फैसिलिटीज अवेलेबल है बहुत ज्यादा उसको वणिक प्रसादिता कहा वहां बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और जहां अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं <clears throat> शाक के हैं खदीर के हैं श्रीप्रणी के हैं इस प्रकार के द्रव्य से जो युक्त है उसको द्रव्यवती कहा और जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं शत्रु आदि नहीं है उसको अमित्र नहीं कहा और जहां विनीत पुरुषों से जो भूमि भरी हुई है और कोई कैदी नहीं है अर्थात कोई अपराध वगैरह नहीं होते हैं उसको आश्रिणी पुरुषा कहा फिर जहां उत्साह नहीं है उसको शक्य सामंता कहा जहां लोग नदी के जल से खेती करते हैं बारिश पर डिपेंडेंट नहीं है उनको देव कहा इस प्रकार से जैसी उस भूमि की क्वालिटी है उसे उसका नाम दिया जहां बोई भी अधिक मात्रा में बीज उपज जाते हैं उसको कृष्ण कहा फिर जहां हाथी अधिक रहते हैं उसको हस्ती वनोपेता कहा फिर जो शत्रुओं के द्वारा नियंत्रण में न लाई जा सके अर्थात जो सेफ है उसको सुरक्षा कहा तो ये जो भूमि की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अंदर सॉइल की जो कंडीशन है फर्टाइल है नहीं फर्टाइल है पानी है नहीं है वन है नहीं है तो उ, उसके अकॉर्डिंग वहाँ वैसे लोगों में प्रकृति बनती है तो उसको यहाँ विस्तार से ये सोलह प्रकार की भूमि बताई है जैसी भूमि पर निवास करेगा वैसे गुण उसमें स्वाभाविक रूप से पाए जाएंगे फिर अभी अपन आगे ग्राम के लिए खेत के लिए पुर के लिए नगर के लिए दुर्ग के लिए किस प्रकार की भूमि शुभ बताई गई है उसको अभी इसी का दूसरा भाग कर देते हैं तो दूसरे पाठ में इकाई में देखेंगे अध्याय थोड़ा सा इसमें श्लोक ज्यादा हैं तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो अभी आज की इकाई में आज के पाठ में अपन ने मुख्य रूप से तीन प्रकार की भूमि देखी कौन कौन सी हुँ? जांगल अनूप और साधारण <क्क्किन> फिर उसके तीनों के 16-16 भेद देखे 16 प्रकार देखे और जैसा उसका नाम है वैसे उसके गुण हैं। आगामी पाठ में लेसन में इसी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे उसमें अपन ये देखेंगे कि ग्राम के लिए नगर के लिए खेत के लिए दुर्ग के लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त है और भूमि की परीक्षा उसका परीक्षण कैसे करते हैं मृदा परीक्षण कह लो उसको अपन आगामी पाठ में कई में देखेंगे अभी इतने कह के, के वाणी को विराम देते हैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव